আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালাম আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। আন আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আন্নাহু ক্বাল ওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি লা ইউমিনু আবদুন হাত্তা ইউহিব্বা লিআখীহি أو لجاره ما يحب لنفسه متفق عليه। अभी मैंने आपके सामने जो हदीस पेश की है, इस हदीस के रावी खादिम रसूल अनस इबन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हों हैं। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस वक्त तक कोई भी शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने पड़ोसी के लिए या अपने भाई के लिए वही चीज़ ना पसंद करे जो अपने लिए, अपने नफ्स के लिए वो पसंद करता है। इस हदीस के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों या पड़ोसी की जो अहमियत है उसके जानिब इशारा किया है। दरअसल दीन इस्लाम ने लोगों के हुकूक़ बतलाए हैं, ज़िक्र किए हैं, और लोगों के हुकूक़ ज़िक्र करने का बुनियादी मकसद ये है कि ताकि समाज का और माशरे के अंदर इज्तिमाईयत बरकरार रहे, समाज के किसी भी शख्स को किसी से कोई शिकायत ना हो। शिकायत कब होती है, इख्तलाफात कब होते हैं, जब लोग आपसी हुकूक की अदायगी में कोताही करते हैं या तो सिरे से वो आपसी हुकूक अदा नहीं करते। पड़ोसियों के ताल्लुक से हम देख लें, आज हमारा रवैया क्या है, हमारा मिजाज क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया, उस वक्त तक इंसान मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज़ ना पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बुग्ज़ ना रखें, हसद ना रखें, तो आप भी लोगों से बुग्ज़ और हसद ना रखिए। अगर आप चाहते हैं आपका लिबास अच्छा हो, आपका मकान अच्छा हो और आपके खाने पीने का तरीका अच्छा हो, तो आपको चाहिए कि आप अपने भाई के लिए भी यही तमन्ना और आरजू कीजिए। लेकिन हम तो ये सोचते हैं हमारे बगल में अगर कोई रह रहा है तो इतने चुपके के साथ हम कोई चीज़ पका लेते हैं और खा लेते हैं कि पड़ोसी को एहसास तक नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिलजार, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के ताल्लुक से वसीयत करते रहे, वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ये गुमान होने लगा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, विरासत है, कहीं उसमें भी पड़ोसी को हकदार ना बना दें। ये है इस्लाम में पड़ोसी की अहमियत और उसकी अजमत। इस वजह से सबसे पहली बात, जो पड़ोसियों के हुकूक होते हैं उन हुकूक की अदायगी में हमें कोताही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले आखी है, बाज़ रवायतों में आता है ले आखी है, अपने भाई के लिए भी क्या करे इंसान, जो अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए भी पसंद कीजिए। हमारी ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा हो, अगर हम उसमें चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें और एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार करके रहें, तो हमें चाहिए कि हम अपने भाई के लिए भी वही पसंद करें। लेकिन इस मामले में भी अगर हम देखें तो बहुत पीछे हम नज़र आते हैं। हम ये चाहते हैं
कि हम तो खुश रहें लेकिन हमारा भाई तकलीफ़ में मुब्तला रहे। हम ये चाहते हैं हमारा लिबास अच्छा हो, हमारी ज़िंदगी की दीगर चीज़ें अच्छी हों, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारा भाई भी हमारी ही तरह खुशहाल रहे। ये चीज़ गलत है, ये ईमान के ख़िलाफ़ है, ये हमारी आदत, ये हमारा अमल। इस वजह से हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम मोमिने कामिल बने। ईमान किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, कई सारी आदतें, कई सारे औसाफ़ जब इकट्ठा होते हैं इंसान के अंदर, तब जा कर के इंसान का ईमान मुकम्मल होता है। लिहाजा ईमान को मुकम्मल करने वाली जो जो भी चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, सारी आदतों को हमें अपनाना चाहिए, ताकि हम कामिल ईमान वाले, मुकम्मल ईमान वाले बन सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहल आलमीन तो हम तमाम लोगों को कामिल ईमान वाला बना, इलाहल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताबो सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए जरिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।